लोग गई जय माता दी। और मेरी पूजा वूजा सब हो गई है। और देखो आज बज रहे हैं 9:30 और अब करूंगी काम की स्टार्टिंग, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड थोड़े लेट गए थे तो नाश्ता वास्ता बनाया और टाइम हो गया। और अभी चलती हूँ ऊपर क्योंकि हल्की हल्की धूप निकलने लगी है और कल बारिश में कपड़े सूखे नहीं थे तो। और देखो मेरी रसोई की हालत देख सकते हो आप। अभी मैं क्लीन करूंगी इसको और फिर क्लीन करने के बाद मैं बनाऊंगी खाना इसमें। और चलते हैं ऊपर, ऊपर कपड़े सुखा लेते हैं। और कपड़े आजकल सूख नहीं रहे और बारिश हो रही है इस वजह से। और चलते हैं ऊपर। और आज मैंने ब्लैक कलर का कुर्ता पहना है। पता पूजा वूजा में नहीं पहना जाता लेकिन आज शनिवार है तो मैंने सोचा आज ये ब्लैक कलर का कुर्ता पहन लेती हूँ। और देखो हमारे घर में देख सकते हो कपड़ों का ढेर पड़ा है क्योंकि सूखे ही नहीं थे कपड़े कल, तो ऐसे ही डालने पड़े थे। और मैंने मुझे कपड़े धोने थे जरूरी, बारिश में ही कपड़े, बारिश नहीं थी कल लेकिन बादल हो रहे थे, लेकिन मुझे कपड़े धोने थे। और देखो सारे कपड़े इधर उधर लटका रखे हैं मैंने। और अंदर कपड़े, अंदर का भी अभी तो नहीं है, अभी थोड़ी देर में करूंगी। और लाइट से बंद कर देती हूँ। और देखो मेरे हस्बैंड भी कपड़े यहीं रख जाते हैं तो अभी ये मशीन में डाल दूंगी। और देखो कपड़े वपड़े भी देखो मेरे कितने पड़े हैं। और पूरा घर बारिश में कपड़े सूखे ही नहीं थे तो ऐसे ही कमरे में डाल दिए थे, पंखा चला के डाल दिए थे। और कपड़ों का भंडार भरा पड़ा है और बहुत सारे कपड़े थे, 1 हफ्ते के कपड़े थे और सारे सूख नहीं पाए, बारिश आ गई थी तो फिर मैंने कमरे में डाल दिए थे कपड़े। कभी कोई किवाड़ पे डाला, कोई किसी पे डाला। नीचे है हमारे जगह, जैसे बाहर वाले कमरे में है लेकिन रस्सी नहीं मिली मुझे तो फिर मुझे ऐसे ही डालने पड़े। और धूप निकल रही है आज तो मैं सुखा देती हूँ इनको। और धूप दिलाना देखो ज़रूरी होती है क्योंकि अजीब सी स्मेल आ जाती है अगर धूप में नहीं डालेंगे तो। और आज था शनिवार तो ब्लैक कलर का सूट पहन लिया था, वैसे तो नहीं पहन पाते लेकिन पहन लिया था। और मैं कि चलो आज पहन लेते हैं। और चादर देखो मैं यहाँ डाल दूंगी, कपड़ों के लिए जगह ही नहीं रहती, कहाँ कैसे डालना है देखना पड़ता है कहाँ कैसे डालूं। और डाल दिए मैंने कपड़े, सब मेरे सूख गए, सूख गए कपड़े सारे। और इनमें बहुत टाइम लग जाता है कोई भी काम करने में, तो उधर भी सुखाए बहुत सारे कपड़े थे, कई दिन के कपड़े थे। और अब बाद में करूंगी यहाँ की ऊपर की डस्टिंग, पहले नीचे चलती हूँ। और देखो फिर मैं आ गई थी नीचे और मैंने इडली का बैटर तैयार कर लिया था। अब डाल दूंगी इसमें नमक और इडली बना लूंगी मैं, देखती हूँ कब फ्राई करूंगी लेकिन तैयार कर लेती हूँ। और फ्रिज में रख दो तो कुछ ख़राब नहीं होता इनका। और पहली बार बना रही हूँ मैं इडली और देखते हैं, ट्रायल है आज मेरा कैसे बनाती हूँ मैं इडली। और इडली का बैटर डाल दूंगी और बहुत अच्छी बनी थी। और ये तो मैं डबिंग बाद में कर रही हूँ लेकिन बहुत अच्छी इडली बनी थी और हमारे संडे को भी खाई थी सबने। और ये शनिवार की क्लिप है और मैंने फ्राई करी थी और बहुत अच्छी बनी थी। और जरा सी देर में बन जाती हैं, पहले मैं सोचती थी बहुत झंझट होगा लेकिन बन जाती हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अगर हमें जल्दी नाश्ता करना हो अच्छे से बना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और देखो 10-12 पीस ही बन जाए तो नाश्ते में बहुत होते हैं और हैवी हो जाती है ये और अच्छी भी लगती है। मैंने टमाटर प्याज में बनाओ बहुत टेस्टी लगती है। मैंने तो नहीं, प्रभा बनाती है मेरी देवरानी, वो बहुत अच्छी बनाती है तो मैंने सोचा आज मैं भी बना के देखती हूँ। और देखो इधर छौंक दी है मैंने शिमला मिर्च, शिमला मिर्च भरमा बनाई थी मैंने, सब्जी वगैरह अब सब छौंक दूंगी। और रोज का रूटीन मेरा यही हो रहा है आजकल। और फिर भर लूंगी मैं आटा। और देखो सब कई लोग इसे खोल लेते हैं, इसका थैला बना लेते हैं लेकिन मेरे से खुलता ही नहीं है। और हमारे भी बाजार का आटा आता है और मैं इसे काटूंगी कैंची से और इसमें भर लूंगी। और ये भी बहुत बड़ा काम होता है, अगर आटा वाटा जैसे ख़त्म हो जाता है फिर आलस आता है कि अभी ये खोलना है वो करना है।
लेकिन मैं इसे तुरंत के तुरंत आटे को डाल दूंगी और मेरा काम कम हो जाएगा और गंदा भी हो जाता है अगर आटा करें। और देखो इडली मेरी बन गई, कितनी अच्छी बनी है, गोल गोल बनी है, लेकिन इनको थोड़ा ठंडा कर लेना चाहिए और नहीं तो ये चिपकी सी रह जाती हैं। वैसे मैंने इसमें घी लगा लिया था और बहुत अच्छी बनी थी। और संडे के वीडियो में देखना, मेरे इडली बनी है अच्छी। और देखो फिर मैंने आटा भी गूंद लिया था इधर की साइड में, आटे को थोड़ा सा रेस्ट दे दिया था तो देखो अच्छा सा गूंद गया। और छूलूंगी आटे को और देखो मैं इडली दिखा रही हूँ आपको, अच्छी बनी थी और इतनी सारी बन गई। जरा सी सूजी में, एक कप सूजी होगी, एक डेढ़ कप ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, मैंने नाप के तो नहीं डाली, लेकिन बहुत अच्छी बन गई थी, बहुत सारी बन गई थी। और इडली के स्टैन हैं, इन्हें भी साफ़ कर दूंगी संग के संग, चिपक जाती हैं इन्हें, जैसे मांजने में भी बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन साफ़ हो गई थी। और अब रसोई करूँगी क्लीन। और देखो और मेरी शिमला मिर्च की सब्जी भी बन गई, बातों बातों में सारी शिमला मिर्च की सब्जी भी बन गई और अच्छी बनी थी। लेकिन हमारे घर में मुझे ज़्यादा पसंद है और कोई इतना नहीं खाता। काव्या ने भी रोल बना के खा लिया था, लेकिन काव्या को भुजिया ज़्यादा पसंद है इसकी, उस वो ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन इसको रोल बना के दिया था। और देखो नीचे थोड़ी सी लग गई थी। और अब कर लूँगी रसोई की क्लीनिंग और सारा काम हो गया मेरा और बाद में खाना बनेगा। और कई चीज़ हम भूल जाते हैं हमें क्या करना होता है और हम दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं, काम हमारा ऐसे ही होता है। और फिर मैं कर लूँगी अभी अभी देखो रसोई मेरी हो गई, मैं देख बता रही थी आपको, रसोई हो गई मेरी क्लीन और फिर चली गई थी मैं बेडशीट वगैरह सही करने। और यहाँ कोई सोता नहीं है तो ये बेडशीट भी साफ़ ही रहती है और ज़्यादा यहाँ बेड हमारा गंदा नहीं होता, यूं ही बिछा रहता है। तो मैं ज़्यादा इतना कुछ करूँगी नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा ही हिलाऊँगी और जहाँ जहाँ कोने निकले हुए हैं वहीं करूँगी, क्योंकि इसमें आजकल सो नहीं रहे तो हमारा कोई ज़्यादा काम भी नहीं है इसमें। और फिर लगा लूँगी झाड़ू, क्योंकि डस्टिंग वस्टिंग भी मेरी हो गई थी, झाड़ू वाड़ू लगा लेंगे। झाड़ू मेरी लग गई और इतना कूड़ा भी नहीं होता, अब रात को सोते होते भी नहीं है तो इतना डस्टिंग वगैरह इतनी नहीं, जैसे डस्ट वगैरह ज़्यादा नहीं, और आजकल बारिश का मौसम है तो इतनी डस्ट वगैरह नहीं हो रही और धूल मिट्टी इतनी नहीं आती। और अगर जैसे गर्मियों में ज़्यादा गर्मी हुई थी जब बारिश वो नहीं थी तब बहुत डस्ट आ जाती थी। और अब बार लगा लूँगी, बाहर भी झाड़ू लगा लूँगी और इन्हें मैं झाड़ दूँगी। और झाड़ने के बाद मैं ये कितनी भी करो इनमें धूल मिट्टी आ ही जाती है, धूल मिट्टी क्या पैर पहुँचते हैं तो धूल मिट्टी तो आएगी। और चौक में भी लगा लूँगी झाड़ू। और आज मैं लेट हो गई हूँ, 11:30 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत तेज़ धूप हो रही थी तो मन नहीं कर रहा था काम करने का। इस चौक में अगर सुबह ही कर लो काम तो अच्छा लगता है, नहीं तो गर्मी ही लगती है बहुत ज़्यादा। और मेरा काम वाम सारा हो गया और 12:20 हो रहे हैं, बनाऊंगी खाना और बना लेते हैं खाना। और देखो मैंने बनाई है इडली और पहली बार बनाई है, मैंने कभी ट्राई नहीं करी, लेकिन अच्छी बनी है। और किसी दिन सांभर के साथ बनाएंगे, इसकी शेप नहीं है इतनी अच्छी, दिखाती हूँ अच्छी वाली दिखाती हूँ आपको। देखो ये अच्छी बनी है और अच्छी बन जाती हैं। और इसे मैं टमाटर और प्याज की ग्रेवी में फ्राई करूँगी और सांभर के साथ नहीं, सिंपल ही बनाऊँगी। और अब बना लेते हैं खाना। और देखो बना लूँगी मैं रोटियाँ और सब मिल के खा लेते हैं और इकट्ठी रोटी बना लेती हूँ। और भैया के लिए जा रही होती हैं तो फिर मैं पहले तो आते थे तो 2 बजे ही बनाती थी, लेकिन अब भैया के लिए जाती हैं तो मैं इकट्ठी ही सब बना लेते हैं हम लोग। और बच्चे भी हम सब लोगों के साथ बैठ के खा लेते हैं, अच्छा लगता है। और 1:30 बजे आते हैं बच्चे इस वजह से, और रोटी बना लो फिर अच्छा भी लगता है, बन जाती हैं रोटियाँ, फिर फ्री हो जाते हैं, 1 बजे तक फ्री भी हो जाते हैं, खाना वाना बन जाता है तो, और जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है। और भी शिमला मिर्च की सब्जी कर दूंगी, मुस्कान के लिए कर रही हूँ सब्जी, और दाल भी थी
और नहीं दाल नहीं थी, सॉरी, बरी आलू की सब्जी थी। तो मैं मुस्कान को दे रही, मैं मुस्कान को बहुत पसंद है बरी आलू की सब्जी और उन्हें बहुत अच्छी लगती है। और देखो हम अपनी पैक कर लेंगे इसमें और हम बाद में खाएंगे सब लोग। और पैक कर दी हैं और भैया के लिए कर दिया। अब सब साफ़ सफाई कर देंगे, फिर दोबारा रसोई की सफाई होगी। रसोई गंदी पड़ी होती है तो अच्छा नहीं लगता। और सब जल्दी जल्दी कर लूँगी साफ़ सफाई, और वो ही काम होता है डस्टिंग वगैरह का। और कई बार तो हमें भी लगता है कि हम रोज़ खाना और वही दिखाते हैं, लेकिन हम ब्लॉगिंग में यही चीज़ दिखा सकते हैं और क्या दिखाएं। और बाहर की वीडियो भी कितनी दिखाएं, रोज़ रोज़ जाना नहीं होता, बस जैसे कभी कभी चले जाते हैं। और हाउसवाइफ कभी नहीं निकल सकती, ज़्यादा कम ही निकल पाती हैं। और मुझे तो घर की वीडियो दिखाने में बहुत अच्छा लगता है, और क्लीनिंग का तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्लीनिंग ब्लॉग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और बताना अगर क्लीनिंग ब्लॉग कोई देखना चाहता है और कोई रिक्वेस्टेड वीडियो है तो बताना। और देखो मेरा खाना वाना हो गया, अब बर्तन मारूंगी थोड़ी देर में। अरबी भी धो के रखनी है मुझे, पॉलीथीन में रखनी है। और अब करूंगी मैं वीडियो का एंड, क्योंकि अब ले लेती हूँ मैं हवा थोड़ी सी, क्योंकि रोटी बनाते बनाते थक गई। और लाइट जला लेती हूँ, लाइट गई हुई है। और बच्चे आ रहे होंगे, सबका खाना बना के रख लिया है मैंने, और बच गया एक। और मेरे हस्बैंड आए हुए हैं, ऊपर हैं, खाना भी खाएंगे, अभी टाइम नहीं हुआ क्योंकि नाश्ता कर जाते हैं भी। और आज खाया था उन्होंने आलू का पराठा, लड्डू और चाय, तो हैवी हो जाता है थोड़ा तो टाइम 1:30 बजे करीब आएंगे खाना खाने। जब भी खाएंगे हम सब लोग, बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल से। और अब मैं वीडियो का एंड करूँगी। जय माता की।